ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट सा कुछ बात करने के लिए वीडियो बन रही है। आज का दौर है ऑटोमेटिक कारों का, जब बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ अब बढ़नी शुरू हो जाएगी और सिटी ड्राइव के लिए हमें कुछ ऐसी कार चाहिए जिसके अंदर बार बार हमें गियर ना बदलने पड़े, तो ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि ऑटोमेटिक कार्स की भी साथ में कुछ ना कुछ अहमियत बढ़ती जा रही है। अब हालात ये हैं कि धीरे धीरे करके इनकी सेल भी बढ़ रही है और साथ के साथ ही इनकी ज़रूरत डिमांड भी बढ़ रही है और बाद में रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो जाएगी। तो आज बात करते हैं दोस्तों बहुत ही चीप रेट पे, सबसे कम रेट पे आने वाली 6 ऐसी गाड़ियां जिनका कि अच्छा खासा वर्चस्व है, अच्छा खासा नाम है और बेहतरीन इंजन के साथ आती हैं। बात शुरू करते हैं दोस्तों सारी गाड़ियों की, लास्ट में जाके वर्डिक्ट निकालेंगे कौन सी गाड़ी 1, 2, 3, 4 लेवल पे बैठती हैं और क्यों बैठती हैं। मैं सिर्फ दो चीज़ें लेके चलूँगा, सबसे पहली बात इंजन और दूसरी बात सेफ्टी, ये दो एस्पेक्ट लेके चलूँगा क्योंकि बेसिक गाड़ी के अंदर, सबसे छोटी चीप गाड़ी के अंदर हमें फ़ीचर ज़्यादा नहीं मिल पाते लेकिन इंजन और सेफ्टी तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसको शुरू करते हुए मैं एक से क्रम से शुरू करके लास्ट तक, यानी कि सबसे सस्ती से सबसे महंगी तक कार पर आऊँगा, उसके बाद हम वर्डिक्ट निकालेंगे कौन सी कार हमें कि कहाँ पे बेहतर लगेगी, 1, 2, 3, 4 के क्रम के हिसाब से लगा के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहली कार, सबसे चीप कार रेडिको, अभी लॉन्च की गई BX6 के अंदर AMT वेरिएंट में इसका एक ही वेरिएंट आता है। वैसे तो इसके दो इंजन आते हैं, 0.8 लीटर और 1.0, यानी कि 800 cc और 1000 cc के इंजन आते हैं इसके, लेकिन इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट सिर्फ एक ही आता है और वो भी इसके एक टॉप वेरिएंट के अंदर, 1.0 लीटर का इंजन है उसकी। दोस्तों स्पेसिफिकेशंस कुछ इस प्रकार से हैं, 1.0 लीटर का 999 cc का इंजन है, ये 67 bhp की पावर 91 Nm की टॉक यानी कि 91 Nm की टॉक के साथ जनरेट करता है। 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों आते हैं। जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसकी कीमत एस वेरिएंट की 4,37,000 रुपये है, एक ही वेरिएंट एस वेरिएंट आता है। ये दोस्तों वही इंजन है जो क्विड के अंदर भी यूज़ होता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये वाला इंजन भी बहुत ही सस्ते रेट में, सबसे सस्ते रेट में यही गाड़ी हमें मिल पाती है। तो आगे दोस्तों शुरू करता हूँ इसके बाद इसकी सेफ्टी के बारे में, एक एयरबैग ABS EBD के साथ इसके अंदर हमें सेंट्रल लॉकिंग भी साथ में मिल जाती है जो कि एक स्टैंडर्ड से फीचर है, इसमें दो एयरबैग की ऑप्शन है ही नहीं। तो आगे दोस्तों चलते हैं इससे अगली गाड़ी जो इससे थोड़े से ऊपर के रेट पे आती है, ऊपर के प्राइस पे आती है, वो है दोस्तों एस्प्रेसो। एस्प्रेसो के अंदर दोस्तों हमें क्या क्या मिल पाता है, एस्प्रेसो VXI वेरिएंट है जो ऑटोमेटिक के अंदर मिलता है, 4,76,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत है। मारुति के पास फिलहाल के लिए सबसे किफ़ायती गाड़ी यही है, पहले आल्टो K10 होती थी जो कि ऑटोमेटिक के अंदर अच्छा खासा नाम था, अच्छी खासी सेल निकालती थी, लेकिन क्योंकि वो गाड़ी बंद हो गई तो हमने इस लिस्ट से निकाल दी उस गाड़ी को। अभी के लिए ये एस्प्रेसो थोड़ी सी एक माइक्रो SUV टाइप का एक डिज़ाइन है जैसे सबको पता है हमें, और इसके अंदर छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें काफ़ी सारी मिल जाती हैं और लेकिन इसके मैं सेफ्टी के पैक से काफ़ी इंप्रेस हूँ। तो ये चीज़ों की आपके साथ डिटेल में बात करता हूँ। 3 सिलेंडर इसके अंदर भी इंजन है, 999 8 cc का इसके अंदर इंजन है, 67 bhp का 90 Nm के टॉक वाला इंजन है जो कि 21.7 की माइलेज हमें बेहतरीन माइलेज निकाल के भी देता है साथ में। सेफ्टी पैक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक और ABD ABS एयरबैग और सेंट्रल लॉकिंग, ये सारी सुविधाएं हमें इस वेरिएंट से ही मिल जाती हैं जो कि VXI वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है, 4,76,000 रुपये में और 21.7 की माइलेज भी क्लेम करता है। अब दोस्तों अगली मैं गाड़ी की बात करूं तो वो गाड़ी है क्विड, रेनॉल्ट की तरफ से पेश की गई। सबसे बेहतरीन बात क्या है, इसका कर्व वेट कम होने के कारण 24 की माइलेज क्लेम की जाती है जो कहीं ना कहीं हमें 1 या 2 किलोमीटर कम करके प्रैक्टिकल ऑनरोड कंडीशन में दे भी देती है। तो बेहतरीन इसकी प्राइस रखा गया है, वेरिएंट भी अच्छा है और इसके अंदर डायल अप है जिससे हम इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट को चेंज कर सकते हैं। ये एक थोड़ी सी अच्छी सी नई सी सुविधाएं लगती हैं देखने में जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा और ऊपर के दर्जे में पहुंचा देती हैं। माइलेज बेहतरीन है, प्राइस भी ठीक है और इसके अंदर एक एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लॉकिंग, ये सारा सेफ्टी का पैक इसके अंदर आता है। और इसके अंदर जो इंजन है वे वही है जो रेडिगो वाला है, 1.0 लीटर का 67 bhp 3 सिलेंडर का इंजन,
91 एनएम की यानी कि 91 एनएम की टॉर्क जनरेट करने वाला ऑटोमेटिक वेरिएंट जो 24 के माइलेज हमें प्रदान करता है। अब इसके अंदर एक क्लाइंबर भी वेरिएंट आता है जो टॉप ट्रिम है इसका ऑटोमेटिक के अंदर, वो 550,341 रुपये का एक्स शोरूम दिल्ली में पड़ता है हमें। अब दोस्तों इसके ऊपर एक गाड़ी और है उसकी बात करते हैं, वो है सेलेरियो। सेलेरियो एस्प्रेसो से थोड़ी सी ऊपर जाके गाड़ी बैठती है। कईयों को यह गाड़ी दोस्तों पसंद आई, कईयों को नहीं पसंद आई। उसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, डिज़ाइन इतना कोई खास अच्छा नहीं लगता। इसके बाद इसका एक इसको गाड़ी को बेचने के लिए भी सेलेरियो एक्स नाम से एक वेरिएंट निकाला गया। हालांकि कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी मैं इस गाड़ी को भी साथ में रखता हूं क्योंकि ये गाड़ी इस वेरिएंट के इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आती है और सेल भी ठीक ठाक निकालती है। तो सेलेरियो VXI वेरिएंट है दोस्तों ऑटोमेटिक में, 523,000 रुपये का पड़ता है हमें। एक एयरबैग, ABS, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंजन इम्पोलाइजर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। लेकिन इसके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ हमें स्पीड सेंसिंग डोर लॉक या इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक जैसे कि एस्प्रेसो मिलते हैं, वैसा कुछ नहीं मिल पाता इसके अंदर। तो इसलिए गाड़ी थोड़ी सी पीछे रखी है मैंने। तो माइलेज भी वैसी है, एस्प्रेसो वाला इंजन है, माइलेज भी वैसी ही है। माइलेज वही 20.7 की माइलेज इसके अंदर मिल पाती है। वही इंजन है इसके अंदर एस्प्रेसो वाला ही, 998 cc का 66 bhp 90 nm की टॉप वाला इंजन है जो कि अच्छी खासी पावर पिकअप दे देता है हमें। और ZXI का जो टॉप वेरिएंट है इसके अंदर ऑप्शनल में आता है 618,130 रुपये का, वो वेरिएंट भी हमें पड़ता है। अगर मैं करूँ बात सेलेरियो की एक्स वेरिएंट की, जिसका कि थोड़ा कॉस्मेटिक फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है, उसको मैं एडिशनल एक वेरिएंट लेके नहीं चल रहा हूँ। VXI वेरिएंट है जो 5,39,000 रुपये का है, इसमें 5,23,000 रुपये का है, थोड़ा ही फर्क है। और उसके बाद ZXI ऑप्शनल जो वेरिएंट है इसका टॉप ट्रिम, वो 5,67,000 रुपये का पड़ता है, जबकि नॉर्मल सेलेरियो का 6,18,130 रुपये का पड़ता है। थोड़े से ही थोड़ा कॉस्मेटिक या फीचर का फर्क है, उसको खास फर्क इसके अंदर नहीं है। अगर बात करूँ दोस्तों इससे ऊपर की गाड़ी की, तो वो है दोस्तों सेंट्रो, ह्यूंडई की सेंट्रो, जिसके अंदर की इन्होंने अपना होम इन्वेंटेड ऑटोमेटिक वेरिएंट इसके अंदर डाला है जो कि अच्छा खासा कामयाब हो रहा है। और ये पूरे लॉट में सिर्फ एक ही गाड़ी है जो 4 सिलेंडर गाड़ी है, बाकी सब गाड़ियां 3 सिलेंडर हैं। 4 सिलेंडर गाड़ी होने के कारण बहुत ही स्मूथ इसको एक इंजन मिल पाता है जो कि बेहतरीन तरीके से शांत NVH लेवल्स की हमें एक गुणवत्ता भी प्रदान करता है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके वेरिएंट की, तो मैग्ना वेरिएंट इसका आता है ऑटोमेटिक में, 553,000 रुपये का जो शुरुआती कीमत है। उसके बाद इसमें फीचर्स और सेफ्टी के बाद क्या क्या आता है, एक एयरबैग, इंजन इम्पोलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इन सभी इंजनों में से सबसे बड़ा इंजन है ये 1.1 लीटर का है, बाकी सारे 998 या 999 cc के इंजन है। ये इंजन दोस्तों 1086 cc का है, इसके अंदर 68 bhp की पावर 99 nm की टॉर्क के साथ गाड़ी में आती है जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट करके दे देती है हमें। 4 सिलेंडर का इंजन जो 20.3 की माइलेज हमें बड़े प्यार से दे देता है। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें टॉप ट्रिम की, तो इसके अंदर आस्टा वेरिएंट आता है जो टॉप ट्रिम है ऑटोमेटिक का, उसकी कीमत 6,25,000 के करीब पहुंचती है, जो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो XZA वेरिएंट जो टियागो में आता है वो उसके बराबर पहुंच जाता है। अगर फीचर्स के मामले देखें तो सेंट्रो कहीं ज़्यादा पीछे है उससे, तो मैं वहां तक नहीं जा रहा क्योंकि आज हमने ये रखा है कि हम 6 लाख से नीचे की गाड़ियों की बात करेंगे। तो टॉप ट्रिम पे अगर जाना है आपने तो फिर टियागो भी सर्च कर सकते हैं हम। अगली बात करता हूं दोस्तों वैगनआर की, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली किसी टाइम पे कार थी। 20 साल लगातार एक ही डिज़ाइन, एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत राज किया, अब जाके उसको वापस चेंज किया गया है। हार्ट्रैक प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी बनाई गई है, जैसे कि स्विफ्ट और बाकी सारी गाड़ियां बलेनो आ रही हैं इनकी। तो वैगनआर के अंदर दोस्तों 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, 1.0 और 1.2, यानी कि अगर हम सेंट्रो के साथ खड़ी करें तब भी वो वैलिड है, या एस्प्रेसो के साथ खड़ी करें, या फिर हम टियागो के साथ खड़ी कर दें 1.2 के साथ, तो तब भी वो वैलिड है। 2 इंजन ऑप्शंस आती हैं इसके अंदर, CNG की ऑप्शन भी आती है, इसके अंदर ऑटोमेटिक भी आती है। तो बहुत बड़ी वैरायटी है, 12 वेरिएंट्स आते हैं, उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। आज सिर्फ हम ऑटोमेटिक की बात करते हैं। ऑटोमेटिक में 1.0 लीटर का जो इंजन है वही एस्प्रेसो वाला सेम इंजन है, 20.7 की वही माइलेज क्लेम करता है, 3 सिलेंडर का ये इंजन है। तो उसके बारे में कुछ खास बताने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका एक 1.2 लीटर का भी इंजन है जिसके अंदर VXI और ZXI दो वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं जो टॉप ट्रिम है ऑटोमेटिक के अंदर। VXI वेरिएंट जो है नॉर्मल 1.0 लीटर वाला रुपए का पड़ता है हमें, और VXI वेरिएंट जो है 1.2 लीटर में 6,30,000 का पड़ता है, ZXI वेरिएंट 6,56,000 का पड़ता है। इसमें VXI जो वेरिएंट है वो पूरे 6 लाख रुपये का पड़ रहा है 1.0 लीटर वाला,
और वहीं पे फिर अगर 6,20,000 या 25,000 खर्चने हैं तो फिर हमारे पास टियागो भी एक बेहतर ऑप्शन पड़ी है। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ऑल पावर विंडोज हैं, 2 एयरबैग्स हैं, ABS, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर आती हैं। माइलेज की बात करूँ तो वही 67 BHP की पावर जनरेट करने वाला 90 Nm की टॉक वाला इंजन 20.7 की माइलेज क्लेम करता है और 1.2 लीटर का यानी कि 1200 cc का जो इंजन है वो 81 BHP की पावर 113 Nm की टॉक के साथ जनरेट करता है, जिसकी की माइलेज 20.52 ARAI सर्टिफाइड क्लेम की जाती है। अब दोस्तों आखिर की गाड़ी है डैटसन की गो। डैटसन की गो गाड़ी जो है उसके अंदर एक ही गाड़ी है जिसके अंदर 1.2 लीटर के इंजन के साथ वो गाड़ी 6 लाख के अंदर आती है और एक ही गाड़ी जिसके अंदर CVT ट्रांसमिशन भी हमें मिल पाता है। अब दोस्तों इस गाड़ी को अगर हम देखें तो ये गाड़ी 5,94,000 रुपये की हमें पड़ती है, जिसके अंदर की 2 एयरबैग्स हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रेक असिस्ट भी मिल जाती है और सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 67 BHP पावर 104 Nm की टॉक के साथ जनरेट करता है। हमारे पास जो वेरियंट है वो CVT वेरियंट हमारे पास 20.07 की माइलेज क्लेम करता है। टी ऑप्शनल वेरिएंट इसके अंदर CVT के अंदर 6,18,000 रुपये का है। दो ही वेरिएंट आते हैं, एक टी सिंपल जो CVT के साथ है वो 5,94,000 रुपये का है और टी का जो ऑप्शनल है 6,18,000 रुपये का है। अब दोस्तों इनके क्रम की बात करते हैं, क्रम कैसे लगाएंगे इसका हम 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। नीचे से शुरू करते हैं दोस्तों, 6 नंबर पर मैं रखता हूँ गाड़ी को रेडिगो, जो कि अच्छी खासी से क्लेम करती है अपनी, एक ही इसके पास वेरिएंट है। और दूसरी बात ये गाड़ी मेरे को कुछ खास पसंद भी नहीं है क्योंकि बहुत ही बेसिक से फीचर्स के साथ आती है और इसके अंदर कोई एयर बैग दूसरे का कोई ऑप्शन भी नहीं है, चाहे 2-4 हज़ार रुपये देके हम ले सकते हैं लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। 6 नंबर पर ये गाड़ी है। 5 नंबर पर दोस्तों मैं रखूँगा सिलेरियो को, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि बेसिकली मेरे को इसका डिज़ाइन कुछ अच्छा नहीं लगता और इसके अंदर कुछ ऐसी मेरे को खासियत भी नहीं लगती जिसके कारण इसको ऊँचा रखा जाए। 4 नंबर पर रखूंगा दोस्तों मैं डैटसन की गो को, क्योंकि इसके अंदर 1.2 लीटर के इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन आता है और सेफ्टी के अंदर सबसे बेहतरीन इंजन सबसे बड़ा 6 लाख के अंदर आ रहा है इसका। अब दोस्तों 3 नंबर पे जो गाड़ी रखूंगा मैं वो रखूंगा मैं दोस्तों सेंट्रो को, क्योंकि इसका जो ऑटोमेटिक वेरियंट है वो बेहतरीन है। 4 सिलेंडर का इंजन होने के बावजूद एक ही इंजन है जो कि बहुत ही शांत NVH लेवल के साथ आता है। एक अच्छी गाड़ी हुंडई की तरफ से पेश की गई है। 3 नंबर पे दोस्तों जो गाड़ी रखूंगा मैं वो 3 नंबर वाली गाड़ी है दोस्तों एस्प्रेसो। एस्प्रेसो के अंदर दोस्तों मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि सिलेरियो से कहीं बेहतर है और थोड़े से पैसे ज़्यादा देके हमें सेफ्टी पैक तो एटलीस्ट इसके अंदर ऑप्शनल तो मिल जाता है कि 2 एयरबैग भी हम ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस गाड़ी को थोड़ा ऊपर रखा है और इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी और इंजन भी बेहतरीन है इसका। 2 नंबर पर रखी है मैंने दोस्तों क्विड, क्योंकि क्विड अच्छी खासी सेल निकालती है और इसके अंदर जो डायल है वो भी एक बेहतरीन चीज़ है, अच्छी खासी चीज़ें आती हैं, माइलेज बहुत अच्छी क्लेम करती है और रीसेल भी ठीक ठाक से मिल जाएगी हमें। नंबर 1 पे दोस्तों मैंने वैगन आर को रखा है, क्योंकि 6 लाख पूरे पूरे भी अगर दें तो बड़ी गाड़ी हमें मिल जाती है। इंजन वही है लेकिन उसके साथ साथ सस्पेंशन हमें अच्छा मिल जाता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों उस गाड़ी के अंदर थोड़े से फीचर अच्छे मिल जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो सेफ्टी की। तो बताइएगा दोस्तों ये आपको कैसी लगी सारी कंपैरिजन। 5 से 6 लाख के अगर अंदर हमें गाड़ियाँ लेनी है तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 लाख का डिफरेंस कुछ मैटर नहीं करता अगर हमने सेफ्टी को देखना है और अपने साइज़ को देखना है। हम चाहे कुछ भी बाद में एडिशनल चीज़ें लगवा लें लेकिन सेफ्टी का पैक हम बाद में नहीं लगवा सकते, जैसे कि एयरबैग नहीं लगवा सकते, ABS नहीं लग सकता, EBD नहीं लग सकता, ये सारी चीज़ें पहले लग के आती हैं। और दूसरी बात दोस्तों गाड़ी के डायमेंशन, गाड़ी का साइज़ और गाड़ी की जो माइलेज है वो बाद में बदल नहीं सकती, तो इन चीज़ों को देख के मैंने ये सारा कंपैरिजन बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, नहीं पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्यों नहीं पसंद आया और उसकी हम बात करेंगे उसके बारे में और उसका हल निकालेंगे, डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएँ, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।